साथियों, आज केमिकल मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग सरकार की प्राथमिकता है और मैं भी दिल्ली की उन दो बेटियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दिल को झकझोर दिया। धरती मां पुकार पुकार करके कह रही है कि मुझे मत मारो। बहुत उत्तम तरीके से नाट्य मंचन के द्वारा उन्होंने हमें जगाने का प्रयास किया है। मैं तो चाहता हूं हर कोऑपरेटिव संस्था इस प्रकार की एक टोली तैयार करे, जो टोली हर गांव में इस प्रकार से मंचन करे, लोगों को जगाए। हाल में ही एक बहुत बड़ी योजना पीएम प्रमाण को स्वीकृति दी गई है, पीएम प्रणाम। लक्ष्य ये कि ज्यादा से ज्यादा किसान केमिकल मुक्त खेती अपनाए। इसके तहत वैकल्पिक खादों, ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इससे मिट्टी भी सुरक्षित होगी और किसानों की लागत भी कम होगी। इसमें सहकारिता से जुड़े संगठनों का योगदान बहुत अहम है। मेरा सभी सहकारी संगठनों से आग्रह है कि इस अभियान के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आप तय कर सकते हैं कि अपने जिले के 5 गांवों को केमिकल मुक्त खेती के लिए 100% हम करके रहेंगे। 5 गांव, और उन 5 गांवों में किसी भी खेत में 1 ग्राम भी केमिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे पूरे जिले में इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी, सबका प्रयास बढ़ेगा। साथियों, एक और मिशन है जो केमिकल मुक्त खेती और अतिरिक्त आय दोनों सुनिश्चित कर रहा है, ये है गोबर धन योजना। इसके तहत देश भर में वेस्ट से वेल्थ बनाने का काम किया जा रहा है। गोबर से, कचरे से बिजली और जैविक खाद बनाने का यह बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। सरकार ऐसे प्लांट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है। देश में अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों ने 50 से ज्यादा बायोगैस प्लांट तैयार किए हैं। गोवर्धन प्लांट्स के लिए सहकारी समितियों को भी आगे आने की आवश्यकता है। इससे पशुपालकों को तो लाभ होगा ही, जिन पशुओं को सड़कों पर छोड़ दिया गया है उनका भी सदुपयोग हो पाएगा।